नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़ा उत्तर प्रदेश का इटावा जिला एक्सप्रेसवे हब बनता जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब चंबल एक्सप्रेसवे भी यूपी के इटावा से होकर गुजरेगा। 3 एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा इटावा, यूपी का पहला जिला माना जा रहा है। कभी कुख्यात डाकुओं के लिए बदनाम चंबल घाटी अब विकास की नई इबारत लिख रही है। प्रशासनिक और पुलिस की कसरत ने डाकुओं का खात्मा तो किया ही, अब एक्सप्रेसवे के जरिए विकास और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। इस नए एक्सप्रेसवे की पूरी डिटेल्स देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी को अब अपना नया एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। चंबल एक्सप्रेसवे के इटावा से होकर गुजरने की खबर के बाद जिले के लोग बेहद खुश हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि तीनों एक्सप्रेसवे के जरिए इटावा में विकास की नई राह तो शुरू होगी ही, साथ ही रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया बताते हैं कि इटावा में भरथना के पास नगरिया सरावा गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चंबल एक्सप्रेसवे का जुड़ाव होगा। इसके निर्माण पर करीब 8,800 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। चंबल एक्सप्रेसवे इस साल के आखिरी में शुरू हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान के कोटा से निकलकर यूपी के इटावा तक करीब 400 किलोमीटर दूरी तय करने वाला चंबल एक्सप्रेसवे 4 लेन का निर्मित होगा। इसी साल नवंबर महीने से चंबल एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने इस एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द चालू करवाने के लिए मुलाकात भी की है। इसे चंबल एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है क्योंकि इसे चंबल नदी के किनारे बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे राजस्थान में कोटा को उत्तर प्रदेश में शोयोपुर और मुरैना जिलों के माध्यम से इटावा से जोड़ेगा। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लागत 8,800 करोड़ रुपए की आकी गई है। 417 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के माध्यम से कानपुर से कोटा तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है और फिर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में शामिल होता है। राजस्थान के कोटा से शुरू होकर मध्य प्रदेश होते हुए यूपी के इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। चंबल एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित परियोजना क्रॉस कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से चंबल क्षेत्र में आदिवासी समुदाय और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। साथ ही तीनों राज्यों यानी एमपी, राजस्थान और यूपी के किसान सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे क्योंकि वो अपने उपज को दिल्ली मुंबई के बाजारों में भेज सकेंगे। ये मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के औद्योगिकरण और विकास में भी मदद करेगा। महाराज सिंह भदौरिया बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटावा को एक नया तोहफा दिया है। इस तोहफे से इटावा की बदहाल तस्वीर में बदलाव होगा। चंबल एक्सप्रेसवे राजस्थान के कोटा से शुरू होगा जो मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जुड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे दुर्गम बिहीड़ के इलाके से निकल रहा है। चंबल एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद रोजगार और विकास के नए नए आयाम भी खड़े किए जाएंगे। इस रिपोर्ट में मेरे साथ तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।